सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया लर्निंग टुडे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कॉकरोच के डाइसेक्शन दिखा दिया था मैंने पिछले वीडियो में, और मैं आज आपको कॉकरोच के अदर पार्ट समझाऊंगा। तो मैं आज आपको कॉकरोच के माउथ पार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो कॉकरोच का माउथ पार्ट, जो कॉकरोच है उसका जो माउथ मतलब मीन्स माउथ पार्ट है, वो चीविंग एंड बीटिंग टाइप होता है। मतलब खाने को चबाना और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स करने का उसे टाइप का होता है। और उनके जो जॉज होते हैं, जैसे कॉकरोच का जो मुंह का जो जॉज होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ जॉ, मैंडिबुला एंड मैक्सिला, वो मूवेबल होते हैं एंड सेगमेंटेड अपेंडेजेस होता है। और इनका मुंह विच इज़ असिस्ट इन इंजेक्शन ऑफ फूड, मतलब इनका मुंह काम करता है खाने को चबाने का, क्रश करने का, छोटे छोटे पार्टिकल्स करने का, और फूड को अंदर करने का काम करता है, मतलब मुंह से अंदर करने का। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ कॉकरोच के माउथ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज कंसिस्टिंग मेनी ऑफ द पार्ट कंप्रेसेस, जैसे कि मैं आपको नाम बता देता हूँ हर पार्ट के, जैसे कि लेब्रम, मैंडिब्लास, मैक्सिला, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स। आप देर इज़ अ फाइव पार्ट, जैसे कि मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे फाइव पार्ट्स ही मालूम है, लेब्रम, मैंडिब्लास, मैक्सिले, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग्स और यू कैन से ऑल्सो टंग। मैं आपको एक एक करके एक एक के बारे में डिटेल में बताऊँगा। लेब्रम कॉकरोच का एक ऐसा पार्ट है मुंह का, मतलब माउथ का, कि वो अपर लिप फॉर्म करता है, मतलब कॉकरोच का अपर लिप। सो लेब्रम कॉकरोच के माउथ में एक मतलब अपर लिप फॉर्म करता है। जैसे हमारे यहाँ पे जैसे क्या एक अपर लिप लोअर लिप होता है, तो लेब्रम कॉकरोच के माउथ में अपर लिप फॉर्म करता है, जो कि एक आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, वो एक शील्डिंग का भी काम करता है और वो मूवेबल होता है। सबसे पहली बात, सीधी सी बात है, वो अपर लिप फॉर्म करता है और एक शील्डिंग फंक्शन में भी काम आता है, और वो कॉकरोच के माउथ को अपर पार्ट से कवर करता है, मतलब एंटीरियर वॉल जैसा बनाता है माउथ के कैविटी में। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे लाइफ, जैसे कॉकरोच का जो लिप्स है वो खाने को वो उसके यूज़फुल में आता है, वो उसके यूज़ में आता है खाने को पकड़ने में ड्यूरिंग फीडिंग टाइम, टू होल्ड द फूड ड्यूरिंग फीडिंग टाइम्स। जैसे कि मैंने आपको लेब्रम के बारे में बता दिया कि लेब्रम कॉकरोच के मुंह का अपर पार्ट अपर लिप फॉर्म करता है, जो कि एंटीरियर वॉल जैसा माउथ कैविटी को कवर करता है, और एक शील्डिंग फंक्शन में भी काम आता है। वो किस चीज़ के शील्डिंग फंक्शन में काम आता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, जो है मैंडिब्लास। मैंडिब्लास जैसे कि मैंने बता दूँ, मैंडिब्लास कॉकरोच थ्रू जॉज ऑफ मतलब उनके कलर जो रहते हैं डार्क रहते हैं, हार्ड रहता है उनका, और चिकनी स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रेटेड मार्जिन मीन दांतेदार उनमें, मतलब देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ टीथ बिलो द लेब्रम। ओके, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ टीथ बिलो द लेब्रम ऑन आइदर साइड ऑफ द माउथ, दिस आर यूजफुल। उनके दांत उनके मददगार साबित होते हैं, दिस इज यूजफुल फॉर मतलब फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में करना, फूड को क्रश करना, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में करना, माइन्यूट पार्टिकल करना। मैंडिब्लास का काम क्या हुआ कॉकरोच में, कि वो मैंडिब्ला कॉकरोच का एक थ्रू जॉ है, हार्ड चिटनेस रहता है और डार्क कलर रहता है, और उनमें दांत, देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ टीथ बिलो द लेब्रम। द टीथ, द फंक्शन ऑफ अ टीथ इज़ टू च्यू एंड क्रशिंग द फूड। जैसे कि हमने दो चीज़ें पढ़ ली उनके माउथ पार्ट के बारे में, एक लेब्रम और एक मैंडिब्ला। देर इज़ अ थर्ड, मैक्सिले। मैं आपको बताता हूँ मैक्सिले। मैक्सिले आर द एसेसरी जॉ कॉकरोच का, आर अ पैड मतलब दो अपेंडेजेस सिचुएटेड ऑन आइदर साइड, मतलब जैसा कि जो मैक्सिला है वो प्रेजेंट होता है आइदर साइड ऑफ द माउथ और बिलो द मैक्सिला। जो एक, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे पैर ऑफ मैक्सिले रहते हैं, तो देर इज़ अ वन पैर ऑफ अ मैक्सिले, इन ईच मैक्सिले देर इज़ अ मैनी जॉइंटेड स्ट्रक्चर, देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ मैनी जॉइंटेड स्ट्रक्चर इन ईच मैक्सिले विथ मैक्सिले पल, दिस मैक्सिले पल जो कि प्रेजेंट होते हैं मैनी जॉइंटेड स्ट्रक्चर, और उसको हम बोलते भी हैं मैक्सिले। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज
फर्स्ट पेयर ऑफ मैक्सिले, जैसा कि अब हम कॉकरोच के तीन पार्ट के बारे में जान चुके हैं, जो है लैब्रम, मैंडिब्लास एंड मैक्सिले। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो कि है लेबियम। कॉकरोच का जो लेबियम मीन्स लेबियम फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया लैब्रम फॉर्म अपर लिप, लेबियम फॉर्म लोअर लिप, इज कॉल्ड एज सेकेंड मैक्सिले। जो लेबियम है वो कॉकरोच का सेकेंड लिप फॉर्म करता है और उसे हम सेकेंड मैक्सिला भी कहते हैं। विच जो कि लेबियम है वो कॉकरोच के माउथ को कवर करता है, वेंट्रल साइड से। लेबियम इज कवर्ड द माउथ ऑफ कॉकरोच फ्रॉम द वेंट्रल साइड एंड इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हेड। हेड के पोस्टीरियर पार्ट से लेबियम अटैच रहता है। एंड देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लेबियल पल्प, मीन्स विच इज़ अ थ्री जॉइंटेड, दिस इज आर सेंसरी इन फंक्शन। अब लेबियम क्या है कि जो लेबियम क्या काम करता है, लेबियम काम करता है मतलब ये मददगार साबित होता है जो चबाया हुआ खाना है, जो क्रश किया हुआ खाना है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स किए हुए खाने हैं जो हुए हैं मैंडिब्लास के तरफ से, जो आए हैं वो उसको पुश करता है। पुशिंग द च्यूड फूड, मतलब चबाया हुआ खाना पुश करता है प्योरल कैविटी में। और एक शील्डिंग प्रोटेक्शन का भी काम करता है। किस तरीके का प्रोटेक्शन का काम करता है, जैसा कि अगर खाते टाइम, मतलब फीडिंग के टाइम, कॉकरोच के फीडिंग के टाइम, अगर जब कभी भी मैंडिबले से खाना छूट जाए, पकड़ से छूट जाए, तो वो मैंडिबला मैक्सिले में जाकर अटक जाए। दिस इज़ अ प्रिवेंट लूज ऑफ फूड फ्रॉम द मैंडिब्लास ड्यूरिंग द चीविंग टाइम। क्योंकि हम अब चार पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कॉकरोच के माउथ के बारे में, जो है लेब्रम, मैंडिब्लास, मैक्सिले एंड लेबियम। फिफ्थ पार्ट इज दिस आर हाइपोफेरिंग्स, और मैंने एक वीडियो को शुरू में बताया था हाइपोफेरिंग्स और टंग इज अ लॉन्ग, मतलब ये लंबा होता है। द हाइपोफेरिंग्स और टंग ऑफ द कॉकरोच इज लॉन्ग एंड प्रोमिनेंट मीडियली प्लेस्ड अपेंडिजेस। जैसा कि मैंने अब माउथ पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा नीचे आते हैं। जैसे ही आप माउथ के नीचे आते हैं, द हेड जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स और द नेक इज मेम्ब्रेनस, वो मेम्ब्रेनस रहता है। नेक जो है वो हेड और थोरैक्स के बीच में एक मूवेबल पार्ट है, जिससे कॉकरोच का हेड थोरैक्स से जुड़ा रहता है, मूवेबल पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं। उस नेक के वजह से कॉकरोच का हेड थोरैक्स से जुड़ा होता है और वो मूव कर सकता है हेड कॉकरोच के हेड्स को 90 डिग्री। अब हम जानेंगे कॉकरोच के थोरैक्स के बारे में। कॉकरोच का डिवाइड होता है थ्री डिस्टिंग लेवल में डिवाइड होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। इस थोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में इधर अब हम बात करेंगे डॉर्सल थोरैक्स, मीन्स जो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और जो डॉर्सल व्यू रहता है कॉकरोच का, जो कॉकरोच का डॉर्सल व्यू रहता है उनके में डॉर्सल व्यू कॉकरोच का जो डॉर्सल व्यू रहता है उसमें कॉकरोच के थोरैक्स में अटैचमेंट ऑफ विंग्स, देर इज़ अ टू पेयर्स ऑफ विंग्स, वन पेयर इज़ फोर विंग एंड वन पेयर इज़ हाइंड विंग। फोर विंग इज़ आता है वो लेदरी होता है, हार्ड एंड फोर विंग रहता है, कॉकरोच को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। और जो हाइंड बींग है वो मेम्ब्रेनस होता है और वो उनको फ्लाइट करने में मदद करता है और डेलिकेट वेरी द हाइंड विंग, देर इज अ वन पेयर ऑफ फोर विंग जैसे मैंने समझा दिया, और वन पेयर ऑफ हाइंड विंग जो फोर विंग के नीचे वो भी थोरैक्स से ही अटैच होता है बाय डॉर्सली व्यू ऑफ द कॉकरोच, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। और जो हाइंड विंग होता है वो मेम्ब्रेनस डेलिकेट होता है और फ्लाइट के लिए कॉकरोच को मदद करता है। और जो सेकेंड विंग रहता है जो मेम्ब्रेनस है डेलिकेट, मेटाथोरैक्स से जुड़ा रहता है सेकेंड पेयर ऑफ विंग। अब बात आती है लेग्स की, तो लेग्स जो कॉकरोच के लेग्स होते हैं, देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फोर लेग, मिडल लेग एंड हाइंड लेग। तो वो भी जो लेग होते हैं कॉकरोच के वो भी थोरैक्स से ही जुड़े होते हैं बाय द वेंट्रल साइड, नॉट अ डॉर्सल साइड, बस पे लेग्स अटैच रहते हैं। देयर इज़ अ थ्री पेयर ऑफ लेग, जैसा कि मैंने बताया थ्री पेयर ऑफ लेग, the each and every leg has the five jointed structure, there is a presence of a joint between the leg, isliye cockroach ke phylum arthropoda hai, there is a presence of a joint between the leg, or each and every leg
हैविंग द फाइव जॉइंट, मतलब एक पैर के अंदर फाइव जॉइंट प्रेजेंट है. देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ फाइव जॉइंट ईच एंड एवरी लेग. और देर इज़ अ प्रेजेंस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर ऑन द लेग्स, इट्स कॉल्ड ब्रिस्टले. इट इज सेंसरी इन फंक्शंस. जैसे कि पैर में, कॉकरोच के पैर में आप देखे होंगे कि जो पैर पे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जैसे बार जैसे दिखते हैं ब्राउन कलर के, वो उनको सेंसरी इन फंक्शंस में काम करते हैं, सेंसेशन में काम करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे पोडोमियर भी कहते हैं. जैसे कि मैं आपको बता दूँ, देर इज़ अ नेम ऑफ अ फाइव पोडोमियर. एक एक का नाम मैं आपको बताता हूँ. देर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ फाइव पोडोमियर. जैसे पहले का नाम है ट्रोकैंथस, फीमर, टीबिया एंड टर्सस. फर्स्ट वन नेम इज कॉक्स, सेकेंड वन इज ट्रोकैंथस, थर्ड वन इज फीमर एंड फोर्थ वन इज टीबिया एंड फिफ्थ वन इज टर्सस. जैसे टर्सस के बारे में, जो टर्सस होता है, जो टर्सस जो जॉइंट होता है लेग में, वो सबसे लास्ट सेगमेंट है लेग का, टर्सस. एंड ये खुद जो टर्सस है वो सबसे लास्ट सेगमेंट है लेग का, और ये खुद फाइव मूवेबल सेगमेंट से बना होता है. और मैंने आपको बता दिया कि ईच एंड एवरी लेग है तो जॉइंटेड स्ट्रक्चर एंड पोडोमियर, नेमली आपको मैंने नेम आपको बताया. और जो नीचे का, सबसे नीचे का जॉइंट है उसे टर्सस कहते हैं. और जो खुद टर्सस है वो खुद फाइव मूवेबल सेगमेंट से बना हुआ है. और जो लास्ट सेगमेंट है टर्सस का, उनके पास पैर ऑफ अ क्लॉज होते हैं. क्लॉज मीन्स पंजे टाइप, किसी चीज़ पर पकड़ बनाने के लिए. एरोलिम हेल्पफुल, एरोलिम है उनको मददगार साबित होता है क्लीनिंग करने में, मीन्स किसी चीज़ को पकड़ने में, पकड़ के चढ़ने में, जैसे कॉकरोच दीवार पर चढ़ जाते हैं इजीली वैसे. एंड थोरैक्स बियर्स टू पेयर्स ऑफ स्पेरिकल्स ऑल्सो. तो आज के कॉकरोच के माउथ पार्ट में बस इतना ही. मैं आपको इसके अलग अलग पार्ट्स जो बचे हुए हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम और कॉकरोच, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड और जो भी पार्ट्स हैं, मैं आपको कवर कर लूँगा आने वाले कुछ दिन में. आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो. मैं मिलता हूँ आपके इसकी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.